let's start electricity. Electricity is the chapter which we are doing. So in the previous lecture, I told you some facts. Now let me just summarize them and repeat them quickly so that Isha can also understand, and in Hindi. So first fact, electricity yani ki जो बिजली है वो कैसे काम करती है. हमने देखा था, हमने क्या क्या चीजें देखी थी. हमने देखा था कि जब वो चलती है तो फ्लो करता है तो उसको हम करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत कहते हैं. ठीक है, तो चलता कैसे, बिजली कैसे चलती है. वैसे तो दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तो रुकी हुई यानी कि स्टैटिक, और एक चलने वाली जो फ्लो करती है. जो फ्लो करती है वही हमारे कोर्स में है. तो वो कैसे चलती है आगे, हमने देखा था कि ये हमारा कंडक्टर है. इस कंडक्टर में हमारे एटम होते हैं गोल गोल. उन एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ से बिजली यहाँ जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि जब बिजली की खोज हुई तो उस समय हमें नहीं पता था कि नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. तो इसलिए अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो हमें पता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है. तो कैसे जाते हैं, एक्चुअल में जो बाजू वाला एटम होता है उसकी तरफ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर इसका इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा, ऐसे करते करते पॉजिटिव तक चले जाएंगे नेगेटिव से. समझ आया, कब जाते हैं ये, जब इस वाले टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल में और पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब है कि दोनों में अंतर होता है, इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक है, तो अगर हमको कंटिन्यूअस फ्लो कराना है करंट का, तो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा. जैसे बैटरी के सेल में होता है कि एक में तो पोटेंशियल डिफरेंस है और एक में नहीं है, तो करंट इजीली फ्लो करता है. तो किसकी वजह से, व्हाट मेक्स करंट फ्लो, किसकी वजह से करंट फ्लो करता है. करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स. दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से करंट फ्लो करता है. इसकी तरह है कि दो टंकियां हैं हमारे पास, ये वाली टंकी भरी हुई है, ये वाली टंकी खाली है. तो यहाँ से पानी, अगर हमने पाइप लगाया तो यहाँ से पानी खाली वाली में चला जाएगा. कब तक, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाती. ठीक है, कहाँ तक, किस लेवल तक बराबर, जिस लेवल तक पाइप लगा हुआ है. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक करंट फ्लो करेगा. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक करंट फ्लो करेगा, और कैसे करेगा, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन के पास, बाजू वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे. समझ आ गया, और एटम अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, वहीं रहेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली में जो करंट है, सबसे पहले देख लो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है. मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, लेकिन एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम आम बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहते हैं. क्या कहते हैं, वोल्टेज. तो इसीलिए उसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट होती है. क्या होती है, वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट. इसको हम वी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और चार्जेस की, चार्जेस की क्या होती है, कूलम्ब. क्या होती है, कूलम्ब. मैंने बताया था, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चार्जेस हैं. क्या है, चार्जेस. जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये हमने पहले भी पढ़ा हो, जैसे मैग्नेट में जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि फेंकते हैं एक दूसरे तरफ, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही है. तो ये चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस वी टॉक अबाउट कूलम्ब. तो चार्जेस की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है.
इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से, चार्जेस की यूनिट को। चार्जेस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यदि लिखना चाहो तो लिख लेना। तो अब आते हैं करंट पे। करंट मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे यानी कि मूवमेंट हो उसमें ऐसी, तो उसको करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट की ऐसे यूनिट होती है एम्पेयर। क्या होती है? एम्पेयर। और एम्पेयर को हम ए से डिनोट करते हैं। ये करंट की ऐसा यूनिट है। हमने देखा चार्जेस की होती है कूलम, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वी, और करंट की होती है ए यानी कि एम्पेयर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? करंट को आई से। जो यूनिट होती है वो तो ए है, लेकिन हम करंट को किससे? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे चार्जेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट है कूलम यानी कि सी, ठीक है। तो ये करंट है, करंट किसके बराबर होता है? क्यू यानी कि चार्जेस। कितने चार्जेस फ्लो किए एक सेकंड में? तो टाइम, समझ आया? करंट किसके बराबर होता है? करंट मतलब ये आई, क्यू यानी कि चार्जेस, और टी मतलब टाइम, सेकंड्स में। तो एक सेकंड में कितने चार्ज यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उसको हम करंट कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। तो आई यानी कि करंट, करंट की यूनिट है एम्पेयर। तो वन एम्पेयर इक्वल्स टू क्यू यानी कि चार्जेस, इसकी यूनिट है कूलम्ब, वन कूलम्ब अपॉन टाइम यानी कि वन सेकेंड। समझ आया? तो 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है? 1 एम्पेयर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। हम जैसे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से नापते हैं, ऐसे ही करंट को हम एम मीटर से नापते हैं। किससे? एम मीटर से। एम मीटर किससे नापते हैं? करंट को। वोल्टेज को अलग से नापा जाता है और करंट को अलग से। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से नापा जाता है, इसको एम मीटर से नापा जाता है। जैसे ये हमारा एक सर्किट है, तो सर्किट के अंदर ये एमीटर है, ये करंट को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है और क्या है ये? ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। करंट यानी कि आई और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर हम किसी सर्किट के अंदर, ओम्स लॉ कहता क्या है, अगर हम किसी सर्किट के अंदर करंट बढ़ा दें तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ही होता है, उसी का ही दूसरा नाम है। तो अगर हम किसी सर्किट के अंदर करंट बढ़ा दें तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें तो करंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। हमने अनुपात समान अनुपात किया था ना, तो ये वही है कि अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाएंगी। तो यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है,
आई इज यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को बढ़ाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, करंट को कम करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये बीच में किसका साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बीच में। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। ये जो मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर कंडक्शन हो रही है, उस मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम सिल्वर लेंगे तो उसमें फटाफट से करंट चला जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा। कॉपर लेंगे तो सिल्वर से थोड़ा कम जाएगा। कॉपर की वायर देखिए ना आपने, तांबे की, तो उससे थोड़ा सा कम जाएगा। लोहे की लेंगे तो और कम जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो जो चीज रोकती है करंट को फ्लो होने से किसी तार के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टेंस। समझ आया? तो जो रेसिस्टेंस है तार का, वो उसको रोकता है। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंट है वो कैसे रोकता है तार का? जैसे मान लो कि उसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं। टेम्परेचर के, टेम्परेचर क्या है, कौन से मटेरियल की हमने तार ली है उस समय, मटेरियल का नेचर क्या है, ये सारी चीजें देखने में आती हैं। तो वो चीज करंट को जो रोकती है उसको हम रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस कहते हैं। बेसिकली रेसिस्टिविटी नहीं, तो रेसिस्टेंस कहते हैं उसको। रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो अगर हमको इसके बराबर इसको पुट करना है, अभी तो क्योंकि ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर हमको इक्वल टू में पुट करना है तो आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, I equal to V upon R। क्यों ऐसा क्यों है? I equals to V upon R क्यों लिखा है हमने? देखो भाई, और equal to क्यों लगा दिया बीच में, ध्यान से देखना। I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। I भी न्यूमरेटर में है, V भी न्यूमरेटर में है। कि इसका उन दोनों न्यूमरेटर में लिखने का क्या मतलब है कि अगर I को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, I को कम करेंगे तो V भी कम होगा। लेकिन R डिनोमिनेटर में है, तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर हम I को बढ़ाएंगे तो R कम होगा, और अगर R को बढ़ाएंगे तो I कम होगा, और अगर I को कम करेंगे तो R बढ़ेगा, और अगर R को कम करेंगे तो I बढ़ेगा। समझ आया? तो I और R के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन की है, और I और V के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन की है। तो इसीलिए ये न्यूमरेटर में लिखा है और ये डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक और फॉर्मूला करंट का। इससे पहले हमने करंट का एक फॉर्मूला देखा था, क्या हुआ conti2। ये दूसरा फॉर्मूला करंट का V upon R, जिसमें V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और R जो है वो रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टेंस का क्या मतलब है? जब करंट के फ्लो को रोकता है मटेरियल अपने अंदर से, थोड़े थोड़े को जाने देता है, कई बार तो थोड़े थोड़े को भी नहीं जाने देता, बिल्कुल भी नहीं जाने देता। तो जिसमें बिल्कुल नहीं जाने देता वो कहलाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर पूरी तरह से करंट को रोक लेता है, और जो थोड़ा थोड़ा सा जाने देता है वो होते हैं कंडक्टर्स। ज्यादातर जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल होते हैं, और अगर लिक्विड्स में देखने हैं तो आयनिक लिक्विड होते हैं। ऐसे लिक्विड जिसके अंदर आयन होता है, कटायन या अनायन दोनों में से कोई सा भी, प्लस या माइनस आयन हो सकता है। कुछ गैसेस यानी कि जैसे हवा है, हवा में से तो फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो हमको करंट लगता रहता। तो कुछ गैसेस ऐसी होती है जिसमें से फ्लो होता है, जैसे ट्यूबलाइट में जो नियॉन गैस होती है उसमें से इजीली करंट फ्लो हो सकता है। तो करंट कब फ्लो होता है किसी भी मटेरियल के अंदर से? जिसमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3, इन तीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से होगा तो उसमें से फ्लो होगा। बाकी जो नॉन मेटल है यानी कि जो धातु नहीं है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, धातु में से ही करंट फ्लो होगा। तो जो धातु नहीं है उसमें से, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटम के आसपास, धातु जो धातु नहीं है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 5, 6, 7, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहां से करंट फ्लो नहीं होता, करंट केवल वहां से फ्लो होता है जिसमें 1, 2, 3
इलेक्ट्रॉन हो एटम में, वो खाली धातु भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला भी बनाते हैं। देखो भाई, R इक्वल्स टू V अपॉन I, और फॉर्मूला बनाए V का भी बन सकता है, V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपके हो गए हैं, और एक करंट का पहला फॉर्मूला जो हमने किया था, और उससे भी पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किया था वो। ये सभी फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा हो गया फॉर्मूला का। अब देखो इस चीज का क्या मतलब है कि आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मैं करंट को डबल करूं, यानी कि आई को डबल करूं, तो वी भी डबल हो जाएगा। अगर मैं वी को डबल करूं तो आई भी डबल हो जाएगा। अगर मैं आई को हाफ करूं तो वी भी हाफ हो जाएगा। समझ आ गया? अगर वी को हाफ करूं तो आई भी हाफ हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस में लेते हैं, अगर मैं आई को डबल करूं तो आर हाफ हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा। अगर मैं आई को हाफ करूं तो आर डबल हो जाएगा। समझ आ गया कैसे उल्टा है वो? ठीक है, इसके बाद अच्छा एक चीज और, जो रेसिस्टेंस है, मान लो आपको बोला क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दे रखा है कि रेसिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आएगा वो तो उसके पीछे ओम्स लिखेंगे। अगर हम ओम्स नहीं लिख सकते तो ये ऐसे बना सकते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको? ओमेगा। तो बिग ओमेगा होता है ये, ओमेगा ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एरिया निकालते हैं तो उसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। और अगर करंट निकाले तो उसके पीछे ए लिखेंगे, यानी कि एम्पेयर। और अगर वी वोल्टेज निकाले या पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम होता है, तो उसके पीछे लिखेंगे वोल्ट या फिर वी। समझ आ गया सबकी यूनिट? ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार करके देखना, यदि ना आए तो पूछना। एक ग्राफ है वो फटाफट से बना देता हूं, तो आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। तो यहां तो है करंट यानी कि I, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो करंट भी 1 होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो करंट भी 2 होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। 4, 5 दोनों 1 है, यस, दोनों 2 है, दोनों 3 है, दोनों 4 है, दोनों 4 है, यस, दोनों 5 है, यस। तो हमारी एक ऐसे लाइन जाएगी। समझ आ गई बात? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखा है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो यहाँ डॉट डलेगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, यहाँ डॉट डलेगा। फिर उन सभी डॉट्स को मिला देंगे तो ऐसे लाइन जाएगी, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक जितना है उतना ही दूसरा रहेगा। ओके, सो दिस इज ओम्स लॉ। मैंने आप लोगों को जो वो बुक भेजी थी, मतलब फोटो जिसकी है ना, तो वो आप लोगों को उसमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 तक सारा याद करना है, और सैंपल प्रॉब्लम्स भी करनी है पेज नंबर 15 तक। ठीक है, और ईशा को मैं भेज दूंगा।